हेलो दोस्तों दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार करुणा सहायता योजना के बारे में। और इस योजना के चलते बिहार में रहने वाले हर वर्कर को मिलेंगे उसके बैंक अकाउंट में सीधे 1,000 रुपये ट्रांसफर करे जाएंगे, जो कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको 1,000 रुपये की राशि पाने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ पे आपको आवेदन करना है, तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और फ्यूचर में इसी तरीके की गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो होगी वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं बिहार करुणा सहायता योजना के बारे में। तो बिहार करुणा सहायता योजना जो है, यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बिहार राज्य के निवासी हैं और बिहार राज्य से बाहर कोरोना वायरस के चलते फंसे हुए हैं। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट हैं कि लाभार्थी का आधार कार्ड की प्राप्ति, मतलब लाभार्थी जो है, जो एप्लीकेंट है, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और साथ में लाभार्थी के नाम से बैंक खाता जो बिहार राज्य में अवस्थित किसी बैंक ब्रांच में हो, और साथ में आपका बिहार राज्य में उपस्थित कोई भी बैंक है उसमें आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रखी गई हैं कि आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और दूसरा बिहार राज्य में किसी भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। इस ये जो आपको डिटेल सबमिट करनी है इस सहायता राशि के लिए, उसके लिए आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। तो डाउनलोड करें बिहार करोना सहायता मोबाइल ऐप और अपनी डिटेल सबमिट करें। तो आपको एक बिहार करोना सहायता मोबाइल ऐप डेवलप करी गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर आपको पहले अपने आधार कार्ड की फोटो क्लिक करनी होगी, फिर उसके बाद आपको अपनी फोटो क्लिक करनी होगी, और उसके बाद आप अपनी डिटेल्स डालकर अपना जो डिटेल्स है वो गवर्नमेंट के पास भेज देंगे। तो जो 1,000 रुपये की जो सहायता राशि है वो आपको सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स कि जो आधार कार्ड पे आपका फोटो है वो साफ होना चाहिए, क्योंकि जो आप फोटो उस मोबाइल ऐप में खींचेंगे वो फोटो और जो आधार कार्ड में फोटो है वो दोनों डाटाबेस से मैच करे जाएंगे। और एक आधार कार्ड पर केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है। साथ में जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक ओटीपी आएगा, और जैसे ही वो ओटीपी आ जाएगा उसके बाद आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देंगे, और इससे संबंधित जो भी सहायता राशि है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ही आएगी। और ये आपका एक जो मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, ये उसका लिंक है। ये जो लिंक है ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके ये लिंक निकाल सकते हैं। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, डाउनलोड करना है बिहार करोना सहायता मोबाइल ऐप, और इस मोबाइल ऐप पर अपना आधार कार्ड की फोटो क्लिक करके और अपनी फोटो क्लिक करके अपनी डिटेल बिहार गवर्नमेंट को सबमिट कर देनी है। और ये जैसे ही डिटेल आपकी बिहार गवर्नमेंट को सबमिट हो जाती है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो बिहार गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी, और वेरीफाई करने के बाद आपको 1,000 रुपये ट्रांसफर आपके बैंक अकाउंट में कर दिए जाएंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो वीडियो है इससे ये जो 1,000 रुपये की सहायता राशि है कैसे मिलनी है आपको, इसमें सहायता मिलेगी, और उस मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे आप अपनी डिटेल सबमिट करेंगे, इसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो रिलीज कर दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित योजना, अगर कोई भी योजना आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो योजना सीधा आप तक पहले पहुंच जाए, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। और जो मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी है, वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, तो वहां से जाके आप वो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।